उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खरीद से होंगे इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि आप लोगों ने फेशन मेथिक कैसे यूज़ करना है कि आप लोगों ने पेशिंग का इस्तेमाल कैसे करना है और फैशिंग क्या चीज़ है उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने टर्नमक्स डाउनलोड कर देना है टर्मकस डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है उसको ओपन करना है आप लोग प्ले स्टोर पर जाएँ मैं 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 को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने टर्मकस कैसे डाउनलोड कर देना है सबसे पहले आप लोग क्या करें अपने प्ले स्टोर पर जाएँ प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग टर्मकस लिखें टर्मकस लिखने के बाद सिंपली आप लोग उसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसको ओपन करें और आप लोगों ने कौन सा टर्मक्स डाउनलोड करना है फ्रिडरिक और ये आप लोगों को नजर आ रहे इस तरह इंटरफेस होगा तो आप लोग सिंपली इसको ओपन करें ओपन करने के बाद ऐसे इंटरफेस आप लोग के सामने शो हो जाएगा अभी आप लोगों ने क्या करने कुछ कमांड्स की ज़रूरत होती है आप लोगों को फिशिंग मेथड के लिए और फिशिंग मेथड के बारे में आप लोग को बताऊँगा कि फिशिंग मेथड है क्या चीज़ तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने कुछ कमांड्स अपने पास रखने हैं वो कमांड्स कुछ कमांड है जो मैं अपने साथ ऑलरेडी रख चुका हूँ मेरे पास है मैंने इधर यहाँ अपने नोट पैड में सेव कर दिए हैं आप लोग भी कमांड्स नोट पैड में सेव कर दें क्योंकि ये कमांड्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा सबसे पहले आप लोगों ने अपने पहले कमांड यहाँ पर क्या करना है सिंपली यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना है ठीक है पेस्ट करने के बाद आप लोग क्या करें यहाँ पर आप इंटर करें ठीक है इंटर करने के बाद अभी आप लोगों ने क्या करना है आगे जाना है अगर यहाँ पे आप लोगों का कोई काम नहीं करता कोई भी कमांड तो आप लोग यहाँ पे अपना कमांड क्या कर सकते हैं आप लोग अपना कमांड यहाँ पे राइड भी कर सकते हैं पैकेज इंस्टॉल गेट फॉर एग्जांपल पहला पहला कमांड मेरा पैकेज इंस्टॉल गेट ठीक है इसको आप लोगों ने सिंपल क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहाँ तक आप लोगों के सामने सिलेंडर पेश हो रहा है अभी आप लोग देख रहे हैं कि वो वर्क कर रहे हैं वर्क करने के लिए आप लोगों ने थोड़े से वेट कर देना है क्योंकि मेरे पास सिग्नल के इशू है थोड़े से सिग्नल वीक है आप लोगों लोग नजर आ रहे हैं तो आप लोगों के पास सिग्नल ज़्यादा होगा तो ये वर्क बेहतरीन तरीके से करेगा ठीक है इसी तरीके से आप लोगों ने कर दिया जो पहला कमांड था ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है अभी सेकंड कमांड में रहे पैकेज इंस्टॉल पीएचपी पैकेज इंस टॉल फिशिंग पी एच पी फिशिंग ठीक है यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है आ, अभी ये आप लोगों से कहा जा रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और अभी मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है तो अभी आप लोगों से पूछा जा रहा है आफ्टर दिस ऑपरेशन एक सौ सताइस एम एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड टू यहाँ पर आप लोगों का एक सौ सताईस एम बी डाटा यूज़ होगा आप लोगों के पास इंटरनेट का पैकेज होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ मैं नो के ऊपर नो एन लिखता हूँ और फिर मैं ओके कर देता हूँ आप लोगों ने वाई लिख के ओके कर देना होता है क्योंकि मैं कर चुका हूँ ठीक है अभी मैंने तर्ड पे जाना है पैकेज इंस्टॉल पाइथन मैंने यहाँ पे लिखना है पैकेज इंस्टॉल पाइथन ठीक है मैंने ओके कर देना है अभी क्या करें डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू तो ये भी मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हो तो मैंने अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोगों ने पैकेज इंस्टॉल पाए आप लोगों ने क्या करना है इसको आप लोगों ने वाई लिख के ओके कर देना है और इस अपरेशन के बाद आप लोगों के पास कम से कम 500 सौ डेटा होना चाहिए क्योंकि इस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों से 500 सौ डेटा खर्च किया जाएगा और आप लोगों के पैकेज जितने भी पैकेज है वो आप लोग एक टर्मक्स में इंस्टॉल होंगे जब आपका मोबाइल रूटेड नहीं है तो आपका मोबाइल रूटेड हो जाएगा अगर आप मतलब इसके लिए रूट अन रूड के कोई इशू नहीं है मगर आपका मोबाइल रूट होने के लिए ये आप लोगों से पाँच सौ तक डेटा यूज़ करेगा तो आपके पास इंटरनेट के पैकेज होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू तो मैंने इनके ऊपर नो के ऊपर करके ओके कर देना क्योंकि मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ आप लोगों ने करना है आप लोगों ने यस के ऊपर क्लिक कर देना है अभी गिट क्लोन है गिट क्लोन को एक लंबा ऑप्शन होते है एक लंबा प्रोसेस इसका होते है इसको आप लोगों ने बिल्कुल तसल्ली के साथ कॉपी करके पेस्ट करना होता है ठीक है क्योंकि ये आप लोग अगर कॉपी पेस्ट नहीं करते तो इसमें मामूली सी गलती भी आपकी क्या हो सकती है वो आपके ए, उस सिस्टम को ख़राब कर सकता है अभी ये आप लोग देख रहे जब से मैंने पाइथन इधर डाल दिया है वहाँ से मैंने कॉपी करके वहाँ यहाँ से सिंपली पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे आप लोगों को कोने में जहाँ पे आप लोगों को तीर का निशान दिखा रहे ये तमाम एम बी अभी क्या कर रहे हैं ये मुझसे ले रहे हैं मतलब मेरे जितने भी पैकेज है वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिजॉल्विंग डिटेल सौ परसेंट और ये चार सौ उनतीस बढ़ चार सौ उनतीस डन और यहाँ पर अभी ये रोक गया है अभी आप लोग देख रहे रिजॉलविंग डिटेल में क्या है सी ब्लैक आई डैश आई एम सी एच एम ओ डी और ये सेटअप है इसके ऊपर सिंपली आप लोग ओके कर दें ओके करने के बाद अभी आप लोगों से क्या करें ब्लैक आई विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली अभी आप लोगों ने थोड़ा सा वेट कर देना है ठीक है और ब्लैक आई विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो चुका है तो अभी आप लोगों ने आगे क्या करना है आगे, आगे आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी इसके लिए आप लोगों ने देख लिया कि जब मैंने इसको वहाँ से कापी करके पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर आप लोगों नजर आ रहे हैं कि ये कितने एम बी और कितने जी बी इसने मुझसे यूज़ किया है तो इसके इसके लिए फ़िशिंग मेथड के लिए आप लोगों के पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आप लोगों के पास इंटरनेट का स्टेबल होना ज़रूरी है आपके पास अगर इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आप कुछ वर्क भी नहीं कर सकते ठीक है तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने ये रख दिया है और मैंने आप लोगों को बताया मैंने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने इस तरीके से इसको क्या करें यूज़ करना है अगर आप ये तरीका नहीं करते तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते आप लोगों के पास इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए और आप लोगों के पास इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए तब फिशिंग मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं फिशिंग मेथड यह है कि यहाँ पर आप लोग एक लिंक क्रिएट करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप लोग कैमरे को कैसे हैक कर सकते हैं तो ये आप लोग फेक व्हाट्सएप कैसे बनाते हैं आप लोग किसी का भी नंबर कैसे हैक करोगे किसी का भी नंबर अपने इस्तेमाल में कैसे करके आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ से लाइफ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ तो आप लोगों ने यहाँ तक इसको क्या करने? तक इसको करना है आप लोगों ने यहाँ तक इसको यूज़ करना है आप लोगों ने यहाँ तक इसको समझना है और इन इससे आगे मैं आप को बताऊँगा कि आप लोगों ने फैशन को इस लिंक को इस कोड को आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है उसको यूज़ आप कैसे करोगे इस लिंक को आप लोग यहाँ से कहा भी करोगे जिस तरह मैंने यू आप लोगों को पहले वीडियो में बताई है कि आप लोग किसी का भी मोबाइल फ़ोन का कैमरा कैसे हैक करोगे मतलब किसी के भी पिक्चर्स किसी के भी वीडियोस अगर किसी मोबाइल में पिक्चर्स वीडियो है और वो आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक लिंक से आप देख सकते हैं वो तमाम चीज़ें आपके मोबाइल में एक फोल्डर बन जाएगा उस चीज़ों का तो वो आप कहाँ से देखोगे वो उसका वीडियो मेरे पास है वो वीडियो का लिंक मैं ऐसी डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप लोग एक एक कमांड वहाँ से करके आप लोग उस पर अपना वर्क कर सकते हैं और आप लोग उससे सीख सकते हैं कि उस तरीके मैंने कैसे आप लोगों को समझाया है तो यहाँ समझाने की बात यही है कि आप लोगों ने फिशिंग मेथड कैसे यूज़ करना है फिशंग मेथड का तरीका भी यही है और इसके इस्तेमाल भी लोग इसी तरीके से करते हैं लोगों को हैक करने के लिए लोगों के फेसबुक पासवर्ड और आईडी निकालने के लिए जीमेल और पासवर्ड निकालने के लिए तो बर मेहरबानी ये मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ एजुकेशन परपज़स के लिए बना रहा हूँ मेरा मकसद किसी को तंग करना या किसी को छेड़ना या किसी के मोबाइल को हैक करके उसको ब्लैकमेल करना नहीं है बस आप लोग मेरे इस तरीके को आराम से तसली से यूज़ करें आगे मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि आगे, आगे आप लोगों ने क्या करना है यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो के आगे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दूँगा वो लिंक्स आप लोगों ने लाजमी इंस्टॉल करने आप लोगों ने टर्मकस का इस्तेमाल देखना है टर्नमकस का बेसिक आप लोगों ने सीखना है मेरे प्रोफाइल में आप लोगों को प्ले में आप लोगों के टर्मक के बेसिक के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो यहाँ से सी डी ब्लैक आई के बारे में मैं इससे आगे आप लोगों को लेकर जाऊँगा तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों ने वेट करना है इस वीडियो के बारे में अगर किसी को समझ ना आए या आप लोगों को पता नहीं चला कि फ़िशिंग मेथड को किस लिए यूज़ करते किसी भी फेसबुक को किसी भी व्हाट्सअप को किसी भी ट्विटर इंस्टाग्राम तमाम अकाउंट्स को हैक करने के लिए लोग फ़िशिंग मेथड का इस्तेमाल करते और फिशिंग मेथड क्या चीज़ है पेशिंग मेथड सिर्फ वो तरीक़ाकार है जिसमें आप एक लिंक जनरेट करते हैं यूआरएल जनरेट करते हैं और उस यूआरएल को आप लोग नेक्स्ट आगे लोगों को फॉरवर्ड करते हैं जब भी वो लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद उसका जो पासवर्ड होते हैं और उसका जो जी या मोबाइल नंबर वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ दिखाऊँगा यहाँ तक जहाँ पर आप लोगों तीर का निशान दिखा रहे इंस्टॉलेशन कम्प्लीटेड इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्योंकि मेरे पास नेट का बहुत इशू है आप नेट को देख सकते हैं मेरे पास नेट बहुत वीक है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा यहाँ तक आप लोगों ने वर्क करके ये तमाम कमांड्स अपने पास सेव करने और आगे इंशाल्लाह इसे आगे मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने आगे क्या करना है उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और आप लोगों को पता चला होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए होगी जो लोग मेरे चैनल पर नए के कारण मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे बहुत शुक्रिया मेहरबानी